गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुक्त का दुनिया में आप लोग को स्वागतम। देखिए दोस्तों, मंडा बिलिया का फूल पहली बार मेरे यहाँ खिला है। देखिए, ये जब लाए थे हम उसके वीडियो दिए थे दोस्तों, उस समय छोटा सा कोढ़ी था। अब हो गया 15 दिन, इतना दिन लगा इसको खिलने के लिए। बाप रे, ये तो बहुत टाइम लगता है फूल खिलने के लिए। अब कितना दिन रुकता है ये तो हमको पता नहीं है दोस्तों। ये पहली बार हम इस यही 15 दिन हुआ ऐड किए हैं। और दोस्तों, ये फूल तो हम सोचे थे कि कलर दूसरा था, लेकिन ऑरेंज कलर का टाइप का देख के हम सोचे कि वैसा ही होगा, लेकिन ये तो व्हाइट हो गया। हमको वैसा कलर हमको पसंद था। तो चलिए दोस्तों, हम आज क्या काम करेंगे वो आप बताते हैं। आज दोस्तों, ये ठंडी वाला जो पौधा है उसको बचा के रख रहे हैं, अभी तक चल रहा है दोस्तों, पता नहीं कहाँ तक हम चला सकेंगे। देखिए दोस्तों, ये डंथस मेरा ठीक ठाक ही चल रहा है। ये लोग को हम अभी थोड़ा सूखी हुई पत्ता जो है जो हो गया उसको हम सफाई करेंगे। ये सब गजनिया जो है ये सब सूख गया, इसको काटेंगे, थोड़ा छटाई करेंगे। और देखिए दोस्तों, इसमें कितना सारे फूल खिला है। देखिए ये एकदम कलर इतना सुंदर है, इतना अच्छा लगता है। यहाँ पर भी डंथस है दोस्तों, देखिए इसका भी कलर, ये थोड़ा लाइट में है पिंक, ये थोड़ा डीप में था पिंक। अच्छा लग रहा था जब खिला था, जो बहुत सुंदर लगा था। पता नहीं, देखेंगे दोस्तों, पहली बार है मेरा। अरे देखिए, ये भी कार्नेशन है, देखिए कितना अच्छा खिला हुआ है फूल। इसको भी थोड़ा सेवा सुस्त्र करेंगे। ये भी देखिए दोस्तों, ये भी कार्नेशन है, ये भी देखिए कितना चलता है। देखते हैं जहाँ तक हो सके उसको हम रखेंगे। तो ये सबको, ये गजनिया यहाँ पे एक ठो रखे हैं, 3 गजनिया रखे हैं, देखते हैं कहाँ तक चलता है दोस्तों। और वहाँ एक है डंथस, वो एकदम पिंक डरानी कलर है दोस्तों, ये वाला। ये देखिए यहाँ पे उसमें 2 फूल खिला है। थोड़ा सा सोचे कि ये लोग को थोड़ा सेवा कर देते हैं, इस सूखी हुई पत्ता को हम साफ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब हम इस सबको निकालते हैं। देखिए कोढ़ी भी आ रहा है, एक दो फूल खिलता है दोस्तों, एक दो खिलता है। उसमें कल था उसको तोड़ दिए, इसमें परसों था, देखिए सूख गया है। आई सबको भी हम सूखी हुई पत्ता है दोस्तों, इस सबको सफाई कर देते हैं। इसमें भी जमीन में सटा हुआ है जो पत्ती सब, इसको साफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा कुड़ाई भी कर दे रहे हैं, थोड़ा कुड़ाई कर देने से अच्छा रहेगा। ये दोस्तों, हम ये सब फ्लावर सबको पहली बार मतलब इसी साल लाए थे, और हम कभी इसको रखे नहीं थे। इस बार हम इसको रख रहे हैं और देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम हर चीज दोस्तों। हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि क्या से क्या होगा नहीं होगा। और इस बार अगर बच गया तो मेरा ट्रेनिंग हो जाएगा। देखिए ये सबका कोड दिए हैं दोस्तों, ये लोग को कोड देते हैं। थोड़ा बीच बीच में कोड देने से, सफाई कर देने से ये आने वाले समय के लिए, ठंडी के लिए मेरा बच जाएगा। ऐसे तो हमको पता नहीं था कि ये रखा जाता है, हमको नहीं मालूम था, हम YouTube देख देख के सीखे हैं। देखिए सबको भी कोड दिए हैं। यहाँ एक रजनीगंधा हो गया है देखिए दोस्तों, ये भी पॉट नहीं था बोल करके दोस्तों, इसको हम ग्रो बैग में रखे हुए हैं, ये भी ग्रो बैग में है। इसको भी थोड़ा कोड देते हैं। देखेंगे इसमें कितना अच्छा कोड ही आ रहा है दोस्तों। देखिए कितना सुंदर फूल भी खिला, देखिए 3 फूल है ना दोस्तों। और फिर देखिए ये कोढ़ी है, ये देखिए इसमें कोढ़ी है। और इस सब में देखिए कितना अच्छा कोढ़ी आ रहा है। तो इसको सेवा नहीं करेंगे तो कैसे लगेगा दोस्तों, जब जान रहे हैं हम कि हाँ ये रहने वाला है, तो थोड़ा सा इसको देखभाल कर देंगे और रह जाएगा तो कितना अच्छी बात है। इसका छोटा सा पेड़ हम
एक एक इंच का एक एक पेड़ हम लाए थे दोस्तों, और उसको हमको बढ़ाने में कितना समय लगा, कितना कष्ट करके बचाए हैं, और दो पेड़ बचा है। देखिए दोस्तों इसमें कितना अच्छा खिला है, और वो दो पेड़ बचा है उसको भी करते हैं। ये देखिए सब सूखी पत्ता है ना, ये सबको निकाल दे रहे हैं हम। ये भी इसमें देखिए सूखे सूखे पत्ता है, ये सबको निकाल देंगे तो मेरा पौधा बहुत सुंदर रहेगा। सूखी पत्ता है और थोड़ा थोड़ा कोड़ देंगे, रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सूख जाता है तो इसको थोड़ा सेवा कर देंगे तो बीच बीच में फूल खिल रहा। देखिए दोस्तों कितना अच्छा फूल खिला, और इसका देखिए कोढ़ी कितना आया है, देखते हैं दोस्तों। देखिए ये सब कोढ़ी है, देखिए देखिए कोढ़ी आया हुआ है तो सब खिलेगा। गर्मी का फूल के साथ साथ इसका भी थोड़ा देखभाल नहीं होने से तो ये नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, और एक बचा है उसको कर लेते हैं, तब आप वीडियो दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरा सबका कुड़ाई हो गया है, इसमें अभी हम पानी नहीं देंगे। कल शाम को पानी दिए थे ना दोस्तों, कल शाम को पानी दिए थे, इसका जड़ सब देखिए सुंदर सा है, भीटा भीगा भीगा है। ये सबको हम अभी पानी नहीं देंगे, थोड़ा कोड़ दिए है ना दोस्तों, इस पे थोड़ा हवा लगना जरूरी है। तुरंत कोड़ देने के बाद तुरंत धूप थोड़ा नहीं, हवा नहीं लगाने से पानी नहीं देना चाहिए। जब लोग खेती करता है ना दोस्तों, पहले कुड़ाई करता है उतना बड़ा बड़ा खेती में, एक दिन छोड़ देता है उसके बाद पानी देता है। तो इसी तरह पौधा में भी इसका जड़ में थोड़ा हवा लगने देना चाहिए। जब ये हवा लग जाएगा, धूप लग जाएगा उसके जड़ में, तो फिर पानी दे सकते हैं, फिर इसी तरह हम पानी देंगे। दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिएगा, नए लोग जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट पे जरूर कुछ ना कुछ बताइएगा। कमेंट का इंतजार तो जरूर रहता है सबों को दोस्तों, आप लोग को पता ही है। दोस्तों देखिए ये साइज में थोड़ा छोटा हो गया है ये मेरा गुलाब, लेकिन कितना ज्यादा खिला है देखिए। इसी में ही 5, 6, 7, 8, 9, 10 खिला है दोस्तों ये गमला में। और ये देखिए कोढ़ी भी कितना है, देखिए कोढ़ी बहुत कोढ़ी है देखिए इसमें। तो वाचिंग के लिए दोस्तों थैंक यू।